हेलो व्हाट्सअप हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप इंस्टाग्राम लाइक इन्फिनिट स्क्रॉलिंग क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट क्वेरी ठीक है तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं एंड कल की वीडियो में मैं ऑलरेडी ये क्रिएट करके आपको बता चुका हूँ लेकिन आज इस वीडियो का बेस्ट पार्ट ये होने जा रहा है कि ये जो इन्फिनिट स्क्रोलिंग वाला इफेक्ट हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं ना मैं पहली कोड दिखा देता हूँ आपको एंड डैट इज हमने इसको क्रिएट करने के लिए पूरा ये एक, एक एक्स्ट्रा यू नो जाक्रिप्ट का कोड लिखा था स्क्रोल बेसिकली इनर हाइट फाइंड आउट करो स्क्रोल वाई फाइंड आउट करो फिर स्क्रोल हाइट एंड ये सब वो सब है ना बट टूड दिस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि वो सब की अब हमें कोई नीड नहीं है लाइक वी हैव वन पैकेज लाइक इट्स कॉल्ड रिएक्ट इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर ये इतना ऑसम एन पी एम पैकेज है कि इसकी मदद मतलब से आप यूँ चुटकी में लाइक like, ये जो इंस्टाग्राम uh, में आपका क्या होता है लाइक इट्स थापा टेक्निकल इफ़ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो मी आई मीन फॉलो कर सकती हूँ है ना तो इसको मैं जितना भी वो करूँगा इसी देखो ना वही है ना यहाँ पे और यहाँ पे कोई डिफरेंस है नहीं इट जस्ट कि यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे फोटोज ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे जस्ट मैंने यूजर इंटरफेस पे इतना फोकस नहीं किया बट द बेस्ट ये पूरा का पूरा डेटा मुझे एपीआई से ही आ रहा है कुछ भी हार्ड हार्डकॉडेड नहीं है तो यही सेम चीज तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ लेकिन मैं आज उसको और सिंप्लीफाइड करने जा रहा हूँ बाई एडिंग दिस पर्टिकुलर पैकेज लाइब्रेरी ठीक है सो so, सबसे पहले तो आई हाईली रिकमेंड ये देखो अभी जस्ट हुई देर पैंतीस मिनट पहले ही ये वीडियो लाइव हुई है तो इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए पूरा तीस मिनट का बहुत इन डेप्थ एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन की है ठीक है तो उसको चेकआउट कीजिए आज मैं इस वीडियो में आपको ये जो कल के वीडियो में ये जो पर्टिकुलर कोड है ना इतने पीस ऑफ लाइन को मैं यूँ दो लाइन में खत्म कर दूंगा आज ठीक है तो कैसे होने वाला है उसको अब हम बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए वी नीड टू इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर पैकेज तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉलेशन का पैकेज इसको आपको कॉपी करना है तो मैंने कर ली कॉपी ठीक है यहाँ पे मैं आता हूँ ऑलरेडी यह रनिंग है तो मैं वापस एक न्यू क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे लाइक like मैंने एक और नया पावर सेल स्टार्ट कर दी है ना पहले तो उसके अंदर जाता हूँ मैं इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मतलब वो रन कर रहा है उसको बिना डिस्टर्ब करे मैंने ये जो रिएक्ट इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर है नाउ इट्स डन ठीक है सो मैं यहाँ पर चलता हूँ पैकेज डॉट जैसन फाइल पर लेके चलूंगा तो आप देख सकते होर इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ठीक है बाय द वे मैं क्लेम ये कर रहा हूँ कि हम वर्जन नाइनटीन में काम कर रहे हैं एंड गाइस मैंने आपको दिखाया कि एक्स्यूस में कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रहा था वर्जन 19 में ठीक है बट जो भी हो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई कि वर्जन 19 में आप कैसे कर सकते हो क्यों क्योंकि हमारा एक कंप्लीट प्ले ही वर्जन नाइनटीन पे है ये देखो ना वर्जन नाइनटीन यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है सब कुछ है ऑलराइट सो right. so, ये मेरा इंस्टॉल हो गया ठीक है वंस जब इंस्टॉल हो जाता है तो ये हमें कुछ हुक्स प्रोवाइड करता है जिसका नाम है यूज़ इन व्यू ठीक है तो अब क्या करना है ध्यान से देखना ये जो पर्टिकुलर कोड है चलो फिलहाल इसको है ना इसको मैं साइड में रखता हूँ कमेंट कर देता हूँ तो उसको हमें यूज कैसे करना है देखिए सो यूज इन एंड देन व्यू ये एक हुक है जो हमें मिलता है फ्रॉम कहाँ आवर रिएक्ट इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर सो वी नीड टू इम्पोर्ट ठीक है फ्रॉम रिएक्ट इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर ठीक है अब ये जो हुक है ठीक है या टूल भी आप इसको कह लो तो ये कुछ प्रॉपर्टीज रिटर्न करती है जिसको मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ सबसे पहले तो आपका रेफ रेफरेंस एंड देन वी हैव अ इन व्यू ठीक है अब ये जो यूज इन व्यू है अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे इसके अंदर भी हम कुछ ऑप्शन है जिसको पास कर सकते हैं आप क्लियरली देख सकते हो होर वी हैव दिस थ्रेश ठीक है तो ये जो थ्रेश है इसको मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है एंड देन पास करना है तो मैं जीरो ना करके मैं वन कर दूंगा इसकी वैल्यू इधर जीरो या तो इधर वन होती है वन इट मीन्स कि हाँ कंप्लीटली जब अभी मैं जिसको भी रेफरेंस देने जा रहा हूँ इट मीन्स कि कंप्लीटली जब मैं एकदम बॉटम पे पहुंच जाऊंगा एंड वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट या एक वो पर्टिकुलर डीप जब मुझे दिख रहा होगा तब क्या होगा तब हमारा ये जो इन व्यू वाली जो वैल्यू है ये ट्रू हो जाएगी क्योंकि अब हमें पता चल गया ना कि हम एकदम बॉटम में आ चुके अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो जाती तब हम क्या किसको कॉल करेंगे फेच नेक्स्ट पेज को ठीक है तो ये देखो ना यहाँ पे आ, एक सेकेंड थोड़ी देर के लिए इसको मैं हटाता हूँ तो इफ़ बॉटम एंड ये जो कल की वीडियो में हम इसको कॉल कर रहे थे है ना अब ध्यान से देखना इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ अब ये जो पार्ट है ना आप देखो इसकी हमें बिल्कुल भी नीड नहीं है ठीक है कल के दिन इतनी मेहनत थी बट अब मैं डायरेक्टली यूज़ इफेक्ट के अंदर आ रहा हूँ बॉटम की अब हमें कोई नीड नहीं है हम क्या करेंगे ये जो इन व्यू की वैल्यू है ठीक है अगर हम जिस भी एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं अगर वो मुझे दिखाई दे रहा है वो ऑलवेज वो बॉटम पे ही होगा तो इसकी वैल्यू ट्रू हैज नेक्स्ट पेज की वैल्यू ट्रू तो मैं फैच नेक्स्ट पेज कर दूंगा अब ये सारे वैल्यू को मैं डिपेंडेंसी एरे में पास कर दे रहा हूँ ठीक है फैच नेक्स्ट पेज इस तरीके से सिंपल ऑल राइट इतना मेरा काम हो गया अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि मेरा ये जो इनव्यू की वैल्यू कब ट्रू होगी एंड जो मैंने इतना लंबा कोड लिखा था कि मैं एकदम बॉटम में पहुंच गया बोल के वो अब हम कैसे करेंगे विद दी हेल्प ऑफ दिस रेफ ठीक है अब आपको क्या करना है बॉटम पे आना है ये जो पर्टिकुलर पार्ट part है ना यहाँ पे मैं एक डीप क्रिएट करने जा रहा हूँ ठीक है इसको मैं एक सेकेंड इसको मैं ऊपर कर देता हूँ इस डीप में मैं एक रेफ पास करूँ बस इतना ही है ये जो पर्टिकुलर डेप को आपने अब आप रेफरेंस दे दी इसका मतलब ये होता है कि अब आपकी आपकी जिम्मेदारी खत्म अब ये जो पर्टिकुलर आ, हुक है ये मेक श्योर करेगा कि कब यूज़र ने स्क्रोल करके एकदम बॉटम पर वो पहुँचा एंड कब उसको ये लोडिंग मोर वाला टेक्स्ट दिखाई दिया द मोमेंट ये एकदम 110 एंड टेन बेसिकली हंड्रेड परसेंट अगर ये विजिबल हो गया वो समझ गया कि यूज़र बॉटम पे पहुंच गया है इसकी वैल्यू जो है इन व्यू इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू एंड हम कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं इसकी वैल्यू अगर होती है ट्रू एंड हैज नेक्स्ट पेज बेसिकली और भी पेजेस है दिखाने के लिए ये बोथ आर ट्रू देन हम फेच नेक्स्ट पेज ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है इसको कॉल करेंगे एंड द बेस्ट पार्ट क्या है कि ये हैज नेक्स्ट पेज फेच नेक्स्ट पेज ये सब कुछ हमें गाइस कौन प्रोवाइड कर रहा है यूज इन्फिनिट क्वेरी जो कि आपके रिएक्ट क्वेरी के अंदर आता है ठीक है तो मतलब सब कुछ ऑलरेडी इधर ही हमें सब कुछ मिल रहा है लाइक like, कितना ईजी हो गया ना अब एक इंस्टाग्राम जैसे जो फंक्शनैलिटी उसको अचीव करने में राइट right? बट फिर भी एक चीज मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो पर्टिकुलर कोड है इसको मैं और बेटर कर सकता था कुछ इस तरीके से ठीक है सेम वही है इट जस्ट मैंने क्या कर दिया इज फैचिंग नेक्स्ट पेज अगर इसकी वैल्यू ट्रू है मतलब जब तक वो डेटा फैच कर रहा है तो लोडिंग मोर ये डेटा हमें दिखाई देगा एल्स हैज नेक्स्ट पेज पे हम जा रहे हैं ठीक है एंड अगर उसमें हम फर्दर हम क्या करें टर्नरी ऑपरेटर लगा के चेक करें अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती है मतलब हाँ और भी पेजेस रहते हैं देन स्क्रोल डाउन टू लोड मोर आप और स्क्रोल कीजिए ताकि आप उसको और देख सको एंड अगर ये इसकी वैल्यू ट्रू है तो नो मोर यूजर मतलब अब और यूजर्स बाकी ही नहीं बचे अब स्क्रोल करके कोई फायदा नहीं है ठीक है तो बस गैस इतना ही था आपको बस ये रैप पास करना था द मोमेंट हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट ये हमारे व्यू पोर्ट पर लाइव हो जाएगा हमें विजिबल होगा दिखेगा ये तब हम क्या करेंगे सिंपल ये जो पर्टिकुलर इन व्यू है इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी इफ़ इट्स ट्रू एंड इसकी वैल्यू ट्रू तो फेच नेक्स्ट पेज देन वो बस सिलसिला चलता ही जाएगा मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ठीक है एंड uh, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तब आप देखना ये देखो लोड हो रहा है लेकिन गैस आपको वो थोड़ी देर के लिए आता है वो थोड़ी देर के लिए आता है एंड बाय द वे मैं अगर यहाँ पे नेटवर्क को देखो ना मैंने थ्री जी कर रखा है थ्री जी करने पे भी वो फास्ट है तो मतलब फिर तो अच्छा ही है ना आप थोड़ी देर के लिए तो आता है थोड़ी देर के लिए आता है फिर वो चला जाता है बट जो भी हो गई इस हमें हमारा जो इंस्टाग्राम वाली जो फंक्शनैलिटी चाहिए थी वो हमें मिल गया राइट सो या गाइस दिस इज एट ऑजिस्ट वीडियो के लिए इतना नहीं आई हाईली रिकमेंड कि जो कल का जो वीडियो था एक बार प्लीज़ आप इसको भी चेकआउट कर लीजिएगा ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इन्फिनिट स्क्रोलिंग वाला आपको आइडिया आ जाएगा कितनी मेहनत हमने की थी एंड आज तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था जस्ट ये एक पर्टिकुलर पीसअप कोड को कॉपी पेस्ट करना था हमारा काम हो गया एटलीस्ट वो छुटकारा मिला हमें उस पर्टिकुलर हार्ड कोडेड वाला पूरा स्क्रोल वाई एक्स एंड देन जेड जो भी था है ना बट जो भी हो मैं तो यही चाहता कि अगर कल वाला जो हमने किया वो अगर आप करते तो बेटर होता क्योंकि मैं ऑलरेडी जास्क्रिप्ट के कोर्स पर पूरा डिटेल में समझा चुका था कैसे आप उसको टैकल कर सकते हो तो इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन अगर आपके माइंड में कुछ डाउट हो तो वो भी जरूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा पसंद नहीं आए तो डिसलाइक बट दोनों में से कुछ ना कुछ एक जरूर कीजिएगा ठीक है सो गाइस और नेक्स्ट टारगेट इज सेवन लाख सब्सक्राइबर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें अब नेक्स्ट आप किस पे देखना चाहते हो वीडियो लेट मी नो इन लेटमी कमेंट सेक्शन मिलता हूं मैं कल की वीडियो में टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर